तीन बातें और बताता हूँ। घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में वक्त नहीं निकाल पाते और बीमारियों से तड़फ रहे हैं। और मैं कहता हूँ बीमारी जितने दिन ज्यादा टिकेगी उतना ही बड़ा नुकसान होगा। मैं आपको एकदम सिंपल उदाहरण देता हूँ। कोई आतंकवादी घर में घुस जाए तो उसको घुसा के रखोगे? कोई शत्रु को घर में घुसा के रखते हो या उसको तुरंत बाहर करते हो? तुरंत बाहर करते हो। ये रोग रूपी शत्रु है, जितने दिन ज्यादा टिकेंगे इस शरीर में, बीपी, शुगर, थायराइड, दर्द, तकलीफें, उतने ही ज्यादा कष्ट देंगे। तो क्या करें? तो जितना जल्दी हो सके निकाल दो। बोले जी क्या करें, वक्त नहीं मिलता। तो देखो योगग्राम निरामयम तो 7 दिन 10 दिन 15 दिन से बड़ी बीमारियों के लिए 15 दिन 1-1 महीना भी हम रोकते हैं, इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। लेकिन अब मैं आपको 8-10 बीमारियां बताता हूँ। दर्दें हैं, घुटनों में दर्द हुआ, कमर में दर्द हुआ, फ्रोजन शोल्डर है, टेनिस एल्बो है, ऐसी एड़ी में दर्द है, शरीर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। या मैं 4-5 महीनों को कल मिला तो ऐसे हो रखे हैं हाथ ऐसे। फिर बोली जी रिपोर्ट नॉर्मल है, मेरे सारे अंग जकड़े पड़े हैं और ये गांठे बन रही हैं। मैंने कहा रिपोर्ट दिख नहीं रही है, ये फिजिकल रिपोर्ट नहीं दिख रही, वो मशीन वाली रिपोर्ट देखते रहते हैं। मैंने कहा तेरे वात बढ़ा हुआ, इसको ठीक कर ले। जैसे ही किसी को वात बढ़े तो ये सुविधा पतंजलि वेलनेस में, योगाग्राम निरामय में तो नहीं है, वहां 2 दिन के लिए भी आ सकते हैं। 1 दिन के लिए भी मैंने छुट्टी दे दी है। पहली बार 1 दिन के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के किसी को दूर से भी आना हो, सैटरडे संडे को याद है। और श्रृंगी चिकित्सा, बस्ती, अक्षय तर्पण, कम से कम सुबह से शाम तक, सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक हम कम से कम 15 से 20 थेरापी कर देते हैं।